चलो जीनर डाइट के बारे में लेट अस डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स. मान लो देयर आर टू पीपल ए बी, दोनों IIT में पढ़े, दोनों की अच्छी नौकरी लग गई, लाइफ में सब पॉजिटिव चल रहा है, इसका करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका करियर ग्राफ भी ऊपर जा रहा है. सडनली लाइफ में कुछ सेटबैक, दोनों के लाइफ में, इसके लाइफ में कुछ सेटबैक, इसके लाइफ में भी कुछ सेटबैक, सम पर्सनल लॉस, सम लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और व्हाटएवर, ये पूरा कलैप्स कर गया. ही इज एबल टू सस्टेन एंड स्टिल राइज, हु इज अ विनर, विच इज प्रेफरेबल, दिस वे इज प्रेफरेबल. Our zener diet also is something like this only. So this is our normal diode. This is our zener diode, a special type of a diode. ठीक है. So यहाँ पर this is our symbol. यहाँ पे दो गोला लगा दिया मैंने, मतलब मैं वोल्टेज पॉइंट बता रहा हूं. सो ये नुकीला है, सो दिस इज N एंड दिस इज P, राइट. सो अगर मैं इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दूं तो ये मेरा फॉरवर्ड बायसिंग होगा. देखो जब तक बायसिंग नहीं करोगे तब तक कंडक्शन नहीं होगा. ओके, बायसिंग के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बायसिंग जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कंडक्शन होगा ही नहीं. कंडक्शन मतलब बेसिकली तुमको इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाना है इधर से उधर, ठीक है. सो जैसे ही मान लो कि एक नॉर्मल डायोड को मैंने इसको मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, तो मेरा हो गया रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इमीडिएटली तुम्हारा करंट जीरो हो जाता है, ठीक है. तो रिवर्स बायसिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो रिवर्स बायसिंग ऐसा है तुम्हारा, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, इसको मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, ठीक है. और इसको मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ा, इसको मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ा, राइट. So this is your reverse biasing. All right. So reverse biasing में देखो यहाँ पर जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है. तो बैरियर पोटेंशियल के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स बायसिंग किया तो रिवर्स बायसिंग करने से तुम्हारा जो करंट था, करंट का डायरेक्शन, करंट एकदम से जीरो हो जाएगा. तो ये जो पोटेंशियल है, ये तो एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल सोर्स है, ये तो मेरे हाथ में है, तो ये मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकता हूं. आई कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल. ओके, सो इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल व्हाट विल हैपन, देन यू विल रीच अ स्टेज वेयर यू विल गो टू अ ब्रेक डाउन वोल्टेज. इसका अगर हमने इन टर्म्स ऑफ ग्राफ अगर हमने डिस्कस किया था तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स बोलते हैं इसको. फॉरवर्ड बायस में यहां पे तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल होता है और उसके बाद तुम्हारा करंट जो है राइज करता है. जब तुम रिवर्स बायस में जाओगे तो पहले से तुम्हारा जीरो हो जाएगा. जब तुम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए जाओगे, यू विल रीच अ पोटेंशियल, फ्रॉम देयर इट विल राइज, इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सो दिस पोटेंशियल वी हैव कॉल्ड इट एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है. सो आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज द करंट विल राइज. नाउ नॉर्मल डायोड्स में क्या होता है, रिमेंबर दैट ए एंड बी टू पर्संस एग्जाम्पल व्हाट आई हैव गिवन. इन नॉर्मल डायोड्स व्हाट हैपेंस इज वहां पे हीट जनरेट हो जाता है. ओके, वहां पर in the case of normal diodes there is a possibility, there is a probability of tremendous heat generation because of which
ये जो डायोड होता है ना वो डायोड जल जाते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ ज़ीनर डायोड इट डजंट हैपन सो. व्हाई इट हैपन्स लाइक दैट, लेट अस डिस्कस दैट. यहां पर देखो पी एन जंक्शन जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लीशन लेयर. ओके, अगर तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, देखो यहां पे एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है. क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि यहां पे हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन से. इस सेमीकंडक्टर में क्या है, होल से. सो इनिशियली सम इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ठीक है, ये जो सेंट्रल रीजन है यहां पे तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन होता है. इनिशियल रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन किए यहां पे कुछ होल्स था, होल के साथ वो रिकम्बाइन कर गए तो दे गॉट डिफ्यूज्ड. सो सम एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स पास्ड ओवर दिस साइड. सो ये जो पी टाइप है यहां पे तुम्हारा एक नेगेटिव चार्जेस, सम फ्री चार्जेस विल बी देयर, एंड हियर देयर विल बी सम होल्स व्हिच आर इंडिकेटिंग बाय पॉजिटिव चार्जेस. ओके, सो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा, एफ इज इक्वल टू ई क्यू. लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, अगर यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन मूव ऑन हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा. जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग मीन्स करंट इज फ्लो, करंट इज पासिंग थ्रू दिस डायोड. ओके, सो इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है, यहां पर तुम अगर देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैच कर रहा है. तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे यहाँ पर जो होल्स के बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उस पर फोर्स ऐसे लगेगा. इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स तो लगेगा ऐसे, अगर तुम इसको इंक्रीज करते हुए जा रहे हो, मान लो कि तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल 2 वोल्ट है और तुमने जो एक्सटर्नल जो बैटरी लगा दी उसका 20 वोल्ट है, तो टोटल हो गया तुम्हारा 22 वोल्ट के वजह से तुमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है तो यहां पर तुम्हारे हीट, ट्रेमेंडस हीट जनरेट हो जाता है. क्यों होता है, लेट अस सी दैट. देखो मान के चलो मैं एक एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, तो ये तुम्हारा एन टाइप है, ये तुम्हारा पी टाइप है, और इनिशियली मान लो ये तुम्हारे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने होल्स हैं. ठीक है, इट इज डोप्ड एन टाइप, मेजर चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ज़ीनर में क्या होता है, यू डोप देम हेवीली, दीज आर ऑल एक्सेस डोप्ड. ठीक है, ये पोर्शन तुम्हारा यही नॉर्मल पीएन जंक्शन टाइप का, लेकिन ज़ीनर डायोड में क्या होता है, दे आर हेविली डोप्ड. ओके, नाउ व्हेन इट इज हेविली डोप्ड व्हाट हैपेंस इज, इन अ नॉर्मल पीएन टाइप डायोड व्हेन यू अप्लाई द रिवर्स बायसिंग, तो यहां पर तुम्हारा डिप्लीशन लेयर जो बनता है इन केस ऑफ ए नॉर्मल पीएन डायोड, इसका विड्थ ज्यादा होता है. इसका ये नॉर्मल पीएन डायोड का जो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, इन द केस ऑफ ए ज़ीनर डायोड दैट विड्थ इज लेस.
Why the width is less? क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में यहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स उसको ज्यादा मिलते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन हो गया, लेट अस से सो देयर विल बी फॉर्मेशन। बेसिकली पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, देखो यहां पर अगर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो यहां पर तुम्हारा एक्सेस चार्ज कैरियर्स विल बी टुवर्ड्स द पी साइड एंड एक्सेस होल्स विल बी टुवर्ड्स द एन साइड। ओके, तो चूंकि यहां पर डोपिंग ज्यादा है तो तुम्हारा ये कम विड्थ में ही तुम्हारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद तुम्हारा डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है वो श्रिंक कर जाता है, बिकॉज इन द रो यू इन द कॉलम यू कैन सी देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस। इन द केस ऑफ नॉर्मल डायोड द स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर, दिस इज ज़ीनर। ओके, सो बेसिकली क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव करेंगे, देखो अगर तुम्हारे पास मान के चलो कि तुम्हारा डिप्लीशन लेयर इतना मोटा है, ठीक है, और तुम्हारे यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पोटेंशियल बैरियर है, जो ये पोटेंशियल बैरियर है वो वैल्यू कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का डोपिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा एन है, इसके उस तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, इसके इस तरफ, इसके उस तरफ एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस है, इसके इस तरफ एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है जो कि फ्री चार्जेस है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये वी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो विड्थ है इसको मान के चलो डी, ठीक है, तो ज़ीनर डायोड के केस में क्या हो रहा है, ये विड्थ कम हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कैपेसिटेंस में किया था, ओके, और V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय D, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना इसको, ठीक है, सो यहां पर तुम्हारा D का वैल्यू तुम्हारा कम हो रहा है, इन द केस ऑफ ए नॉर्मल PN डायोड द वैल्यू ऑफ D इज मोर, ओके, इन द केस ऑफ ज़ीनर डायोड द वैल्यू ऑफ D इज लेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ज़ीनर इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नॉर्मल PN डायोड, ओके, सो लेट अस टेक द केस ऑफ ए नॉर्मल PN डायोड, जब तुम इस पे कोई फोर्स लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव करना है, तो कैसे मूव करेगा, बीच में उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बीच में उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये आकर के इसको हिट करेगा, ये आकर के इसको हिट करेगा, ये आकर के इसको हिट करेगा, एंड दे विल फॉर्म ए चेन एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, why, because the gap is more number of electrons are available in the case of a normal PN diode, okay, so ye actually electron yahan se yahan kar raha hai to yahan pe usko hit kyun kar raha hai, kyunki usko electrons available hai, so when they are hitting what will happen, it is possessing some kinetic energy, so more collisions are happening in this region, more collisions means अगर तुम किसी पानी के बर्तन में पानी को डाल दो और नीचे से हीट करो उसको, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स गेट इंक्रीज्ड, तो यहां पर भी देयर इज अ राइज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो दिस राइज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू हीट इन द केस ऑफ ए नॉर्मल PN डायोड, बट इन द केस ऑफ अ ज़ीनर व्हाट हैपेंस इज दिस, इसका जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत पतला है और यहां पे मेरे कुछ फ्री चार्जेस है, ये मेरा P है, ये मेरा N है, इसको यहां से यहां पर लेके आना है, तो माय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ज़ीनर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नॉर्मल PN डायोड, सो व्हाट विल हैपन,
ये इसको यहां से यहां पे खींच दे। तो देख बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यू नो वी आर ट्राइंग टू पास द करंट, ओके। लेकिन जब ये यहां से इसको यहां पे खींचेगा तो बीच में इसको कोलाइड करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो यहां पर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का बिकॉज ऑफ कलिजन पॉसिबिलिटी यहां पर कम है। तो बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर गया और यहां पर ज्यादा कलिजन्स नहीं हुए, तो क्या होगा जब, तो क्या होगा तुम्हारा सिस्टम में, दे वोंट बी एनी राइज ऑफ एनी हीट, तुम्हारा डायोड जो है वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक नॉर्मल हम डायोड लेते हैं, तो इन द केस ऑफ ए नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में तो यहां से यहां से इसका करंट राइज हुआ, रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन के बाद उसका करंट राइज होना था, लेकिन जब तक वो यहां पहुंचेगा वो जल जाएगा। दिस इज योर वीडी। ज़ीनर डायोड का क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है और यहां से लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज ऑल्सो गिव्स राइज टू ट्रिमेंडस राइजिंग करंट, ट्रिमेंडस राइजिंग करंट। जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंच गया वो जला नहीं, उसके बाद अगर तुम फिर भी तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो बायसिंग रिवर्स बायसिंग में, तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, क्या होगा, यू विल गेट अक्रॉस अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द पीएन डायोड, ओके। सो इसका सिंबल ये नॉर्मल पीएन डायोड जैसे ही होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल पीएन डायोड है, क्योंकि ज़ीनर में जेड है, इसको तुम थोड़ा ऐसे और इसको थोड़ा ऐसे कर दो। अगर सर्किट में तुमको कोई इस टाइप का सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब है वो ज़ीनर डायोड, ओके। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द केस ऑफ ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड का एडवांटेज बस यही है कि इवन इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग योर इक्विपमेंट वो जल नहीं रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, फॉरवर्ड ग्राफ। सो यू कैन सी आफ्टर इंक्रीजिंग लिटिल बिट ऑफ वोल्टेज आई एम गेटिंग दिस मच राइज इन द करंट, दिस इज योर बी बी आई विल से डैश, or you can call it as VZ, okay. This is IV characteristic graph, okay. So this is a special type of diode, just this is the concept that is involved in that.